हाँ जी, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है तुम्हारी, चलो चलो ने हमारा दम निकाला। अरे 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 वाह 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 वाह, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। जी मेरा नाम मोहम्मद रफीक अहमद है, मैं पगड़ी का काम करता हूँ। मैंने अपने पिताजी हमजादुल्ला से सीखी थी, स्वर्गीय हमजादुल्ला रही नहीं, मेरे दादाजी हफीजुल्ला अमीरुल्ला करीमुल्ला ये मेलमेंट सर्विस करते थे, पगड़ी बनाते थे। माधव महाराज फर्स्ट उज्जैन से लेकर आए थे हमारे पूर्वजों को, हम आज तक इस राजघराने के यहाँ सर्विस कर रहे हैं। हमारी पगड़ी शहर देश में कई राजा महाराजाओं के यहाँ जाती है, बन के ऑर्डर दे देते हैं, बना के देते हैं हम। दूसरा बाबा महाकाल उज्जैन पे भी हमारी पगड़ी हर साल के साल जाती है। यशोदा राजे सिंधिया हर साल दो पगड़ियाँ नई बनवा के भिजवाती है उज्जैन बाबा महाकाल। पगड़ी बनाने की विधि ये है, पहले कपड़ा लिया जाता है और 50-55 मीटर कपड़ा होता है लंबा, उसको जो है ना रंगा जाता है गर्म पानी द्वारा। उसके बाद में उसको रंगने के बाद उसको रंग दे के सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में जब वो सूख जाता है तो उसके बाद में फिर फरमे पे बनाया जाएगा। ये पगड़ी के अंदर जो रंग लगाती है वो जो है ना तो केमिकल द्वारा की नहीं होती, वो सादा रहती है, जिससे कि किसी के अंग को जो है ना परेशानी ना हो, मस्तक में कोई दाने ना पड़े, राजा महाराजाओं के पहनने में तकलीफ ना हो। इस वजह से वो हम कोई केमिकल द्वारा वाला रंग पसंद ही नहीं करते ना लगाते। बाबा महाकाल की पगड़ी जो उज्जैन में पधारी हुई है उनकी जब पगड़ी बनाता हूँ तो मेरे दिल को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों कि वैसे तो मैं राजा महाराजाओं की पगड़ी बनाता रहा हूँ बना रहा हूँ, आज भी मैं सिंधिया राजघराने के नौकर हूँ, वहाँ मैं बनाता हूँ। जब मैं बाबा महाकाल की पगड़ी बनाता हूँ तो और खुश होता हूँ। अच्छा, उनकी पगड़ी 150 से 160 मीटर लंबी होती है। सबसे बड़ी पगड़ी बाबा महाकाल महाराज की है, जो कालों के काल हैं, इससे बड़ी पगड़ी किसी की नहीं है। 150 मीटर 160 मीटर लंबा कपड़ा होता है, 8-10 इंची चौड़ा होता है, उस कपड़े की बनती है। उसमें समय लग जाता है, एक हफ्ते का मामूली समय लगता है जब वो पगड़ी, क्योंकि बड़ी पगड़ी होती है काफ़ी समय लगता है। जब मैं बनाता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ कि मैं बाबा महाकाल जी की पगड़ी बना रहा हूँ। वो मेरा नाम मोहम्मद रफीक अहमद है, वो काम मैं इन लोगों का काम कर रहा हूँ, और ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ मैं तो, और ज़्यादा खुशी होती है कि आज मैं इतना बड़ा भविष्य में, भाई मैं का छोटा सा वो और इतने बड़े उनका काम, भाई राजा महाराजा तो हर इंसान कर लेता है, मगर उनका करके और मेरे को खुशी होती है। ये पगड़ी का फरमा जो है ना आज कम से कम 150 साल पुराना तो होगा ही, क्योंकि मेरे दादाजी जो अमीरुल्ला हफीजुल्ला है उन्होंने जो है ना इस पर पगड़ी बनाते थे। ये लकड़ी का फरमा है, लकड़ी का फरमा है, ये पूरी ये लकड़ी है और ये नीचे का स्टैंड है। ये ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से फिर मैंने उसको रिपेयर करवा लिया है। इसको मेरे दादाजी ने भी यूज़ किया, मेरे पिताजी ने भी यूज़ किया और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ये फरमा है जिस पर बाबा महाकाल जी की पगड़ी बनती है, इसको और बढ़ाया जाता है, इस पर और कपड़ा लगाया है, जब इसको इतना आकार करा जाता है उसके बाद में बाबा महाकाल की पगड़ी इसी पे बनाई जाती है। ये तो एक तरीके से अनमोल चीज़ें हैं, चाहे वो पगड़ी हो चाहे वो किसी का फरमा हो, वो अनमोल होता है। पगड़ी भी एक अनमोल है, उसकी कोई रेट नहीं होती, पगड़ी की कोई रेट नहीं है कि मैंने आपने मुझसे पगड़ी बनवाई और आपके कितना पैसा हुआ, इसका कोई मूल्य नहीं है।
ये तो एक ऐसा वो है जैसे कि राज तिलक हुआ करते थे ना, तो राज तिलक में मुकुट पहनाई जाती थी, तो मुकुट की जगह अब आजकल पगड़ी चलती है। पहले मुकुट चला करते थे, अब जो है ना जो राजा महाराजा है वो पगड़ी है, जिस तरीके जौन से स्टेट के है वो पगड़ी के, और उसका नाम एक ही है पगड़ी, रूप उसके अलग अलग है। साफे को भी पगड़ी कहने लगे, जयपुर में साफा है भाई, वो भी तो पगड़ी कहलाती है। तो साफों की भी रेट नहीं है, किसी चीज़ की रेट नहीं है, वो अनमोल है। और रेट तो खैर बात दूसरी है, जिसकी जो समझ में आया वो दे दिया, अनमोल चीज़ें होती हैं इसमें जो है ना। तो मैं बस ये समझ लीजिए कि अपना मेरा परिवार का खर्चा ही निकल पाता है, आगे मैं कोई काम नहीं कर पाता, इतना कोई वो नहीं है जिसमें कि उसका सभी खर्चा निकल जाए, क्या इतना नहीं है उसका। दादाजी वो भी पगड़ी का काम करते थे, पिताजी भी पगड़ी का काम करते थे, इन सब की अपने ख़ानदान की आन बान शान के लिए आज तक ये सब काम मैं कर रहा हूँ पगड़ी का, जब तक हूँ जब तक करूँगा, आने वाले कल पे हो सकता है मैं भतीजे को तैयार कर रहा हूँ। हमारा जो आज तक मकान 150-200 साल पुराना है, खस्ता हो गया है, मगर हम किसी से कुछ नहीं कहते। आज ये न मालूम कब ये मकान ढह जाए, हम पानी भर जाता है यहाँ काफ़ी, आधा आधा घर में पानी घुस जाता है, इतने तो हम परेशान हैं, किराए के में रहना पड़ता है, कभी नहीं हमने कभी किसी से मांग न करी। मेरे हाथ में पगड़ी है, जो ये पगड़ी आप देख रहे हैं ये रफ़ीक जी द्वारा बनाई गई है। तो आज पूरा दिन मोहम्मद रफ़ीक अहमद जी के साथ गुजारने के बाद मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह ये पगड़ी बनाते रहें। इनका ये जो पगड़ी बनाने का पुश्तैनी काम है शुरुआत से चलता आ रहा है, अब इनके भतीजे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो भी इस काम को आगे लेके जाएंगे, और मैं उनको विश करूँगा कि भाई इस काम को अच्छे से आगे लेके जाइए।